हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ड्रीम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। रीजनिंग का काफ़ी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर। आज हम आप लोग को कैलेंडर पढ़ाने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो में हमारे इस टॉपिक में अगर अंत तक रहते हैं तो उम्मीद है कि आपको कैलेंडर से कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप पता है आपको कि रीजनिंग का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका कैलेंडर का हर एक टॉपिक हम क्लियर कर देंगे। यहाँ हम पार्ट बाई पार्ट चलेंगे, टॉपिक बाई टॉपिक करके चलेंगे। तो चलिए हम लोग कैलेंडर को स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिएगा ताकि इस टाइप की वीडियोज़ ड्रीम क्लासेस में हम कंटिन्यू प्रोवाइड कर सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलेंडर, और बने रहिए इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक। तो देखिए, कैलेंडर जो है, इसको कैलेंडर कहते किसको है? सबसे पहला क्वेश्चन, तो दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, इन सभी को दर्शाने वाली अंक तालिका को, दिन, महीना, सप्ताह और वर्ष, इन सभी को दर्शाने वाली अंक तालिका को हम लोग क्या कहते हैं? कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक था। अगर कोई बच्चा पूछ दे, कोई स्टूडेंट आपसे पूछ दे कि भैया कैलेंडर किसको कहते हैं, तो क्या बोलना है आपको? दिन, सप्ताह, वर्ष, महीने इत्यादि को दर्शाने वाली अंक तालिका को हम लोग कैलेंडर कहते हैं। यहाँ पे हम लोग केस वन, केस थ्री, केस टू, केस थ्री, तीन केस में आपके पूरे कैलेंडर को हम क्लियर कर देंगे। तो पहले आप ये समझ जाइए, यहाँ पे हमने ये सब लिखा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ष पे। तो देखिए, वर्ष तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, या पहले हम लोग दिन पे आते हैं। दिन कितना दिन का होता है? अगर कोई स्पेशल महीना ना रहे तो दिन कितने दिन के होते हैं? 30 दिन के होते हैं। अगर कोई स्पेशल बोल दे मार्च, अप्रैल, ऐसे करके, तो उसका हमको पता है। और एक चीज़, दिन वाले में एक एक करके हम सबका डिस्कस करते हैं। कोई कोई बच्चा को ये नहीं पता चलता है कि कौन सा महीना 30 दिन का होता है, कौन सा 31 का। तो देखिए, हम बताते हैं। आप अपने हाथ की उंगलियों को ऐसे रखिए, ये जो आपको ऊपर दिखे ना, वो 31 को होता है। अपवाद में सिर्फ फरवरी को छोड़ के, क्योंकि फरवरी या तो 28 का होता है या तो 29 को होता है। कौन सा 28 होता है, कौन 29 होता है, हम आगे बताएंगे। ऊपर वाला 31, बाकी नीचे वाला 30, 31, 30 फरवरी को छोड़ के। तो ये जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, क्योंकि ये भी ऊपर है, और फिर अगस्त भी 31। यानी जुलाई और अगस्त दो ऐसा मंथ है जो लगातार 31 दिन का होता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये आपके हो गए। आपको ये पता चल गया कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। ठीक है, सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और अगर आपको पता करना है कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो 365 में 7 से भाग दे दो, और लीप ईयर वाले में 366 से, वो हम आपको लीप ईयर, नॉन लीप ईयर सब बताएंगे। महीना, ठीक है, एक महीने, एक साल में कुल 12 महीने होते हैं, आपको पता है। और वर्ष तो आपको पता है। तो अब हम लोग वर्ष पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वर्ष तीन प्रकार के होते हैं। एक सामान्य वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सामान्य वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, शताब्दी वर्ष क्या है। सामान्य वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिसमें 4 से पूरा भाग ना लगे। कभी कभी आप लोग पढ़े होंगे कि सामान्य वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिसमें फरवरी 28 दिन का, वो टॉपिक थोड़ा पुराना हो गया। सिंपल समझिए, जिसमें 4 से भाग ना लगे सामान्य वर्ष, और लीप वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिसमें 4 से भाग लग जाए पूरा, वो लीप वर्ष। शताब्दी वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिसमें 400 से पूरा भाग लग जाए। एक एक एग्जाम्पल, जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है, 2018 चल रहा है। तो 2018 में अगर आप 4 से भाग देते हो तो 4 × 5 = 20, 0 × 4 = 16, आपको शेष कितना बच रहा है, 2। यानी ये एक कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष, नन लीप ईयर का उदाहरण है। इसको नन लीप ईयर बोलेंगे, ये लीप ईयर है, इसको लीप वर्ष कहते हैं इंग्लिश में, इसको आप लीप ईयर बोल सकते हो। जैसे इसके कुछ उदाहरण, जैसे अगला आने वाला 2 साल बाद जो है 2020 है, ये लीप ईयर है या नन लीप ईयर है? इसमें आप 4 से भाग दे दो, 4 × 5 = 20, 0 × 4 = 20, यानी ये पूरा भाग लग गया, तो ये कौन सा वर्ष हो गया, लीप ईयर। ठीक है, लीप वर्ष जिसको हिंदी में कहते हैं। शताब्दी वर्ष, जिसमें 400 से पूरा भाग लगे, वो शताब्दी वर्ष। जैसे 800 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 1600 ईस्वी, क्योंकि इन सबों में कितना से भाग लग रहा है, 400 से। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, सामान्य वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिसमें 4 से पूरा भाग ना लगे, लीप वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाए, और शताब्दी वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिसमें
400 से पूरा पूरा भाग लग जाए। अब हम लोग यहाँ पे तीन टाइप चलेंगे, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, या कहिए केस वन, केस टू, केस थ्री। तीनों केस के बाद आपके जो हैं कैलेंडर वो 100% क्लियर हो जाएंगे, आपको कैलेंडर में एक भी प्रश्न नहीं छूट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और तीन टॉपिक के बाद टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री के बाद आपके कैलेंडर के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ इसको मिटाते हैं और हम लोग टाइप वन में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे उन्हें कैलेंडर बहुत अच्छा लगे। जिन्हें कैलेंडर अच्छा लगे वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ड्रीम क्लासेस के थ्रू हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग केस नंबर वन, या कहिए टाइप नंबर वन। टाइप वन में हम लोग सीखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन, टाइप वन में इस टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे कि दिन जो है वो सेम रहे और साल चेंज हो, दो साल चार साल बाद कैसे। जैसे देखिए, अगर पहले हम लोग कौन सा वर्ष पढ़ रहे थे, लीप वर्ष, फिर हम लोग पढ़ रहे थे सामान्य वर्ष, इन दोनों के बारे में समझिए। तो लीप वर्ष जिसमें चार से भाग लगे, लीप वर्ष चार से भाग ना लगे, शताब्दी वर्ष, सॉरी सामान्य वर्ष। एक प्रश्न आपको आएगा कि क्या सभी लीप वर्ष शताब्दी वर्ष होते हैं? जी हाँ, क्योंकि जिसमें 400 से भागा लगता है उसमें 4 से तो नॉर्मली भाग लग जाएगा, यानी सभी लीप वर्ष शताब्दी वर्ष हो सकते हैं, लेकिन सभी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होंगे, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रश्न अगर पूछा जाए आपको एग्ज़ाम वगैरह में कि सभी लीप वर्ष शताब्दी वर्ष हो सकता है, तो इसका आंसर होगा यस, और सभी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा, जी नहीं, क्योंकि जिसमें 4 से भाग लग रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि 400 से भी भाग लग जाएगा। जैसे अभी हमने 2020 अभी आपका साल चल रहा है वो लीप वर्ष है लेकिन शताब्दी वर्ष नहीं है। तो अब हम लोग टाइप वन, या कहिए केस वन में चलते हैं। केस वन में आपको चार बातें याद रखनी है, कैसे। पहले हम लोग सामान्य वर्ष में डिस्कस करते हैं, सामान्य वर्ष जनरल ईयर। इसमें देखिए सामान्य वर्ष में कहना है कि सामान्य वर्ष का चार टॉपिक आपको एकदम रट जाना है। सामान्य वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन बिल्कुल बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। आपको जो है ना पूरा कैलेंडर हम क्लियर कर देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। हाँ, बस देखते रहिए वीडियो को, सब पूरा क्लियर कर देंगे। प्रश्न है कि सामान्य वर्ष जिसमें 4 से भाग ना लगे वो सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन बिल्कुल सेम होता है। जैसे सामान्य वर्ष का पहला दिन क्या होता है, जनवरी होता है ना, 1 जनवरी, कोई भी वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी होता है, और आखिरी दिन 31 दिसंबर। तो अगर जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है, 2018 चल रहा है, मुझे नहीं पता कि 2018 का 1 जनवरी कौन सा दिन था। मैं अगर बाई चांस सपोज दैट बोलूं कि अगर 2018 का 1 जनवरी संडे हो, सपोज दैट 1 जनवरी 2018 को अगर संडे हो, तो 31 दिसंबर 2018 को भी कौन सा दिन होगा, संडे होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपनी, आपके पास जो कैलेंडर है, घर पे बहुत सारे कैलेंडर है, आप चेक कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि संडे ही हो ही सकता है, जो भी दिन रहे, मंडे हो तो आखिरी दिन क्या होगा, मंडे होगा सामान्य वर्ष में। यानी आपको याद रखना है कि सामान्य वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। एग्जाम दूसरा लाइन देखिए, दूसरा लाइन है कि सामान्य वर्ष का पहला दिन, सामान्य वर्ष का पहला दिन और उसके अगले साल का पहले दिन में 1 की वृद्धि होती है। क्योंकि पहले बताए थे कि जब पहला दिन और आखिरी दिन सेम रहेगा तो 1 जनवरी आएगा, तो 1 की वृद्धि होगा ना। जैसे अगर 1 जनवरी 2010, ये सामान्य वर्ष है, 1 जनवरी 2010 को गुरुवार है, ठीक है, 1 जनवरी 2010 को गुरुवार है, तो 31 दिसंबर 2010 को भी गुरुवार होगा। तो सिंपल सी बात है, 1 जनवरी 2011 को शुक्रवार, तो 1 जनवरी 2011 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। ये आपको दो टॉपिक हो गए, याद रखना है कि किसी साल का पहला दिन
अगर वो सामान्य वर्ष रहे और आखिरी दिन सेम होता है और किसी साल का पहला दिन और वो सामान्य वर्ष में रहे और उसके अगले साल का पहले दिन में कितनी की वृद्धि होती है, एक की वृद्धि। इस पर हम क्वेश्चंस को भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टॉपिक नंबर तीसरा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लीप वर्ष का पहला दिन, यहाँ देखिए लीप वर्ष का पहला दिन, अभी हम आपको इन चारों टॉपिक्स के बाद लीप वर्ष को क्लेरिफाई करेंगे कि लीप वर्ष कैसे कैसे बनता है, ठीक है। लीप वर्ष का पहला दिन और उसका अंतिम दिन में कितनी की वृद्धि होती है, एक की वृद्धि हो जाती है। जैसे कि लीप वर्ष जिसमें चार से भाग लगे 2012, 2016, 1996 या जो भी हो वगैरह वगैरह, जैसे अगर हम लिखते हैं कि 1 जनवरी 2012 को मंगलवार था, सपोज दैट करिए, तो 1 जनवरी 2012 को मंगलवार था, तो ये 2012 कौन सा है, लीप वर्ष, और लीप ईयर यानी 29 फरवरी को टच करना इम्पोर्टेंट है उस रेंज में, तो 31 दिसंबर 2012 को ये एक की वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि होगी, एक की वृद्धि, यानी ये मंगलवार था तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार। आपको हम यहाँ क्लेरिफाई करेंगे ये मंगल से बुध कैसे हो गया, ठीक है। आपको लीप ईयर का इन चारों टॉपिक्स के बाद हम लीप ईयर पर डिस्कस करेंगे। चौथा टॉपिक, इसमें कोई दिक्कत, लीप वर्ष का पहला दिन और उसके अगले वर्ष का पहला दिन, वर्ष के पहले दिन में कितने की वृद्धि होती है, दो की वृद्धि होती है। कोई डाउट, रीज़न, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब यहाँ आखिरी दिन में एक का वृद्धि हो रहा है तो 1 जनवरी में 2 की वृद्धि हो जाएगी। जैसे अभी हम लेते हैं 1 जनवरी 2016 को, क्योंकि 2016 लीप वर्ष है, 1 जनवरी 2016 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2017 को सोमवार की जगह कौन सा होगा, मंगलवार होगा, क्योंकि पहला दिन और आखिरी दिन में एक की वृद्धि, 31 दिसंबर 2016 को सोमवार होगा, तो 1 जनवरी को मंगलवार, 1 जनवरी 2017 को मंगलवार होगा। तो इन चारों टॉपिक्स को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसके बाद हम आपको लीप ईयर के बारे में बताएंगे कि लीप ईयर है क्या, कैसे कैसे, वो 28 से 29 दिन का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको डेज को चूज़ करने के लिए बता दिए थे कि कौन सा दिन कैसे होगा, तो इन चारों को आई होप कि आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटाता हूँ। अब जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, लीप वर्ष के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ये है क्या, कैसे कैसे बनता है। तो देखिए पृथ्वी जब अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने परिक्रमण काल नहीं, जब पूरे अक्ष पे, जब वो 365 दिन में जो अपनी परिक्रमा पूरी करती है उसके बारे में हम समझाते हैं कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पे परिक्रमा करती है ना, तो उसको 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकेंड लगते हैं। इसको लगभग में वैज्ञानिकों के द्वारा 365 दिन और 6 घंटे रखा गया है, ठीक है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना टाइम लगती है, लगभग में 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। तो देखिए हमारा साल कितना दिन का होता है, 365 दिन का, और ये 6-6 घंटे जो है ना, वो हर एक साल जुड़ते जाते हैं, और जुड़ते 6 चक 24 घंटा मिलाकर हर चौथे साल एक दिन का निर्माण हो जाती है। देखिए 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं हमारी पृथ्वी को अपनी अक्ष पर परिक्रमा करने में, तो ये 365 दिन का तो हमको साल हो जाता है, और ये 6-6 घंटा जो है ना हर एक साल जुड़ते जाते हैं, और जुड़ते 6 चक 24 यानी 4 साल में एक दिन का निर्माण होता है, और वही एक दिन लीप ईयर कहलाता है, ठीक है, वही एक दिन लीप वर्ष कहलाता है, और लीप वर्ष में फरवरी 28 फरवरी की जगह 29 फरवरी की हो जाती है, ठीक है। आई होप कि केस नंबर 1 में आपको समझ में आ गया होगा। केस नंबर 1 का जो हम क्वेश्चन कुछ डील करते हैं, देखिए इसी तरह से हम 3 केस बनाएंगे, 3 केस के लिए 3 वीडियो आपको ड्रीम क्लासेस पे देखना पड़ेगा, और तीनों वीडियो देखने के बाद कैलेंडर ख़त्म, प्रॉमिस, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन ये है कि यदि 1 जनवरी 2010 को रविवार है, 1 जनवरी 2010 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2012 को 1 जनवरी 2010 को रविवार है
तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग ये समझना है कि 2010 कौन सा दिन है, लीप ईयर है, ठीक है, तो सॉरी नन लीप ईयर है, सामान्य वर्ष है। तो 2010 से 2012 में आपको बताए थे कि जब सामान्य वर्ष रहे तो वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन कौन सा दिन होगा, सेम होगा। अब वर्ष के पहले दिन और उसके वर्ष के अगले दिन में कितने की वृद्धि, एक दिन की। तो 1 जनवरी 2010 को अगर संडे है तो 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, सिंपल सी बात है, अभी सामान्य वर्ष में चल रहे हैं तो कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। तो 1 जनवरी 2012 में कौन सा दिन होगा, यहाँ भी सामान्य वर्ष में चल रहे हैं तो ये क्या होगा, ट्यूसडे होगा, मंगलवार। लेकिन यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न आ गया कि सर 2012 तो लीप वर्ष है क्योंकि 4 से भाग लग रहा है। आई नो कि 2012 एक लीप वर्ष है, बट वी नो दैट कि जब तक लीप वर्ष में हम टच नहीं करेंगे, जब तक आपके काउंटिंग में 28 फरवरी को कभी क्रॉस नहीं करे, 29 फरवरी को क्रॉस ना करे, तब तक आप उसको लीप वर्ष के काउंटिंग में ऐड नहीं करना है। क्योंकि देखिए 1 जनवरी 2010 से हमें सिर्फ 1 जनवरी 2012 तक जाना है, तो 1 जनवरी 2010 से 1 जनवरी 2012 के बीच में क्या एक भी 29 फरवरी आ रही है, नहीं आएगी, क्योंकि 2010 भी नन लीप ईयर है, 11 भी नन लीप ईयर है, 12 है लीप वर्ष, आई नो, बट हमें उतना जाना ही नहीं, हमें तो 1 जनवरी तक ही रहना है। यही अगर 1 जनवरी 2012 की जगह मार्च 2012 रहता तो हमें फिर लीप ईयर को टच करके यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ता, क्लियर। तो ये आंसर क्या हो गया, ट्यूसडे, मंगलवार। चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन को इसी में डील करते, देखिए केस बाय केस बताएंगे, एक केस बताए क्वेश्चन डील करेंगे, दूसरी वीडियो आएगी दूसरा केस बताएंगे, ड्रीम क्लासेस पे आ जाएगी जल्दी 24 घंटे के अंदर, फिर दूसरे केस की वीडियो बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे 10-15, तीसरा केस आएगा, तीसरे केस का क्वेश्चन बताएंगे। 3 केस होने के बाद कैलेंडर खत्म हो जाता है और उसके बाद तीनों केस को मिक्स करके एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे अगर रहे 1 जनवरी 1995 को रविवार है तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए अब जो है ना, और शॉर्ट तरीके से सिर्फ आंसर लिखेंगे कैसे, क्योंकि आपको पता है कि पहले ये समझिए, आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक, 1995 से हमें जाना है 1998, कितना साल, 96, 97, 98, 3 साल, यहाँ 3 लिखिए, प्लस 95 लीप ईयर है, नहीं है, 96 लीप ईयर है, 29 फरवरी को टच कर रहा है, कर रहा है, यानी एक लीप ईयर आया। देखिए शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं आपको, एक लीप ईयर आया प्लस एक लिखिए, और है 97 लीप ईयर है, नहीं, 98 भी लीप ईयर नहीं है, यानी 3 और 1 4 को आपको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। तो संडे यानी रविवार से 4 जोड़िए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आंसर गुरुवार। कोई डाउट, एक बार फिर से चलते हैं, 1 जनवरी 1995 को रविवार है तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा, समझिए इस चीज़ को, डेट तो सेम है। देखिए ये सभी टॉपिक्स कब यूज़ करना है, ये सभी क्वेश्चंस कब बनाना है, जब डेट लगभग में रहे। अब यही कुछ आलतू फालतू डेट्स आ जाए, मतलब 22 दिसंबर 1998, तो फिर ये आपको नहीं काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जब सेम डेट जो है ना लगभग में रहे, यहाँ 5 जनवरी भी रहे, 10 जनवरी रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा मतलब मंथली मंथ में चेंज हो जाए ना, फिर ये वाला रूल नहीं काम करेगा आपको। तो चलिए यहाँ 1 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 1998 तक चलना है, 1 जनवरी 1995 को संडे है तो 96, 97, 98, 3 साल, हमने 3 लिख दिया। अब कितना लीप ईयर है, क्योंकि देखिए ये सामान्य वर्ष के लिए एक एक बढ़ा है, और लीप ईयर में कितना बढ़ता है, 2 बढ़ता है ना, तो 2 बढ़ता है तो 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ा चुके हैं ना उसके लिए, 96 के लिए, तो 1 लीप ईयर के लिए बढ़ा दिए। वो डायरेक्टली करिए या ऐसे करिए, देखिए 1 जनवरी 1995 को कौन सा दिन है, संडे, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। अब 1 जनवरी 1997 को, तो देखिए 96 में लीप ईयर आएगा ना 29 फरवरी, तो ट्यूसडे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, वेडनेसडे, क्योंकि 2 की वृद्धि होगी तो वेडनेसडे लिखेंगे। 1 जनवरी 1998 को वेडनेसडे के बाद थर्सडे, तो ये इतना लंबा करने से बेटर है आप डायरेक्ट कर दीजिए, और ऐसे करके हम बहुत सारे क्वेश्चन को इसमें डील करेंगे। चल देखिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जैसे अगर प्रश्न आ जाए कि 1 जनवरी 1920 को गुरुवार है,
1 जनवरी 1920 को गुरुवार है तो 1 जनवरी 1925 को कौन सा दिन हुआ, एकदम शॉर्ट ट्रिक, इसी के अंदर सारा डील कर देंगे हम, ठीक है। अभी डेट तो सेम है, 1920 से 25 जाने में 21, 22, 23, 24, 25, 5 साल, यहाँ हमने 5 लिखा, प्लस 1920 एक लीप ईयर है, 29 फरवरी को टच करके ही 25 तक पहुँचेगी, तो एक लीप ईयर यहाँ पकड़ाया, 22 लीप ईयर नहीं है, 23 लीप ईयर नहीं है, 1924 एक लीप ईयर है और ये 29 फरवरी को टच करके 1925 में जाएगी, 2 लीप ईयर पकड़ा है, 5, 2, 7 सात आया ना। और आपको पता है कि कैलेंडर में हर एक सातवां दिन उसी दिन को रिपीट होता है, जैसे आज अगर संडे है तो अगला सातवां दिन क्या होगा, संडे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर गुरुवार में आप 7 जोड़िएगा ना, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर से गुरुवार, तो आप क्या करिए, अगर यहाँ पे ज़्यादा डाटा आ जाए ना तो 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक सातवां दिन उसी को रिपीट करता है। आंसर क्या आया, सॉरी ये शेषफल क्या आया, भागफल नहीं, शेषफल कितना आया, 0। 0 से गुरुवार में 0 जोड़िएगा, गुरुवार ही रहेगा, या अगर आपको लग रहा है कि हार्ड है तो फिर 7 जोड़िए, गुरुवार में 7, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इतना करिए या 7 से भाग दीजिए, और जो आपका शेष बचे ना वो यहाँ लिखेगा, और इसमें जोड़ना है एक और, 1 जनवरी 2005 को शुक्रवार है, कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो 5 जनवरी 2010 को कौन सा होगा, 5 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ये देखिए 1 जनवरी 2005 से हमको चलना है 5 जनवरी 2010, तो पहले हम 2005 से 2010 चल लेते हैं, डेट को बाद में हम इग्नोर करके चलते हैं फिलहाल के लिए। तो 2005 से 2010 जाने के लिए कितना साल, 6, 7, 8, 9, 10, 5 साल, प्लस 5 नल लीप ईयर है, 6 आई थिंक 6 जो है ये भी नल लीप ईयर है, लेकिन 8 जो है वो लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर 8 पकड़ाया, और भी लीप ईयर है नहीं है, चलिए। अब ये तो आ गए हम 1 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2010, क्योंकि ये सेम डेट का रेशियो, ये ट्रिक है ना। अब देखिए हमको 1 जनवरी से 5 जनवरी चलना है, 2, 3, 4, 5 कितना दिन, 4 दिन, इस 4 दिन को भी जोड़िए, क्योंकि 4 दिन यहाँ चलिएगा ना, इसको इग्नोर करके चलिएगा, 5, 1, 6, 4, 10, और क्या कर दीजिए, 7 से भाग दीजिए, क्योंकि सेम डेट जो है वो सातवां दिन रिपीट करता है, और यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, ये नहीं भागफल नहीं, शेष कितना बच रहा है, 3, तो शुक्रवार में 3 जोड़िए, शनिवार, रविवार, सोमवार, ये आपके आंसर्स हो गए, ठीक है। तो एक प्रश्न और इस टॉपिक के लिए, इसको हम मिटाते हैं, आपको पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आप लाइक करते हैं तो जल्दी दूसरी वीडियो पार्ट 2 प्रोवाइड कर देंगे आपको। देखिए अगर क्वेश्चन इस टाइप से रहे कि 1 जनवरी 1925 को शनिवार है, 1 जनवरी 1925 को शनिवार, तो 10 जनवरी 1935 को कौन सा, देखिए है ना, ये अगर अप्रॉक्स रहे तभी ये रूल लगेगा, वरना फिर आपको जो केस नंबर 3 बताएंगे ना उसका रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए यहीं पे डील कर देंगे हम लोग, 25 से 35 चलने के लिए 10 वर्ष लगेंगे, 25 तो नल लीप ईयर है, 26 आई थिंक ये भी नल लीप ईयर है, 27 भी नल लीप ईयर है, 28 लीप ईयर है क्योंकि इसमें 4 से भाग लगेगा, 32, और बस ये दो आपको लीप ईयर मिलेंगे, 1928 और 1932। अब देखिए 1 जनवरी से 10 जनवरी जानने के लिए कितना दिन, 9 दिन, प्लस 9, 10, 9, 19, 2, 21/7, क्योंकि 7 से दीजिएगा, क्योंकि हर एक सातवां दिन वो आपको रिपीट करता है, 27, 21, शेष कितना बचा, ये नहीं भागफल नहीं, शेष कितना बचा, 0, शनिवार में 0 ऐड करेंगे, शनिवार ही रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, केस नंबर 1 आपको पसंद आया होगा लाइक करिएगा, केस 2 और केस 3 के लिए हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस पे जाके आप हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबा लीजिए।